दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे लाखों प्रवासी मजदूर और श्रमिक अब उत्तर प्रदेश में ही काम करें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको यूपी में ही रोजगार दिया जाए, इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके तहत 7.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए आईआईए और नर्डेको के साथ सरकार एमओयू साइन करे। सरकार की कोशिश है कि हर औद्योगिक इकाई में वर्तमान क्षमता के अलावा 10 कामगारों को और एडजस्ट किया जाए। सीएम योगी ने उद्योगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा लिया गया फैसला, जिसमें आईआईए और नर्डेको इन्होंने अथराइज किया है कि मैन पावर को स्किल ट्रेनिंग और साथ में अवेलेबिलिटी और एक तरीके के ब्रिज का काम करेगी ये दोनों संगठन सरकार और श्रमिक के बीच में, और उनको ट्रेनिंग दे करके उनको उद्योग के हिसाब से किस तरीके की जल्दी मैन पावर उसमें इस्तेमाल हो सकती है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करा के, एक तरीके का रिफ्रेशमेंट कोर्स करा करके सरकार की जो ये योजना है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और इसको निश्चित रूप से इसमें अगर ये ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत तो किया है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल भी उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी रिंकू ने कहा है कि इस समय आपदा का वक्त है और सरकार को चाहिए कि सभी दलों के साथ बैठक कर मजदूरों की समस्याओं का हल निकाले। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए वो क्या कर रहे हैं जो आज दूसरे राज्यों से लौट के उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट करते हुए घोषणा कर दी है कि 7.5 लाख मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, वो आईआईए और ऐसी संस्थाओं के द्वारा रोजगार देंगे। ये केवल वैसे ही घोषणा है जैसे घोषणा करी गई थी कि विदेशों में रखा काला धन आएगा और उस काले धन से 15-15 लाख हर हिंदुस्तानी को मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने घोषणा करी थी कि साहब उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिवक्तागण हैं उनको हम 5-5 हजार रुपए देंगे, क्योंकि उसी घोषणा करने में खुद उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईआईए से ये पूछा है कि आपके प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं और आप उसमें कितने हमारे मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। जब सरकार ने अभी पूछा है, सरकार को स्वयं नहीं पता कि उनके प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, उसमें कितने लोगों को वो रोजगार दे सकते हैं, तो कैसे मीडिया मैनेजमेंट करते हुए आपने आके ये कह दिया कि 7.5 लाख लोगों को हम, 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार दे देंगे। एमएसएमई और रियल इस्टेट के प्रोजेक्टों में श्रमिकों की कितनी मांग है, दोनों संस्थाएं इसका डाटा तैयार करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि श्रमिकों को उनके अनुभव और स्किल के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों और उनके परिवार के इलाज और पुनर्वास की सरकार के पास क्या योजना है, बाहर से लौटे मजदूर दोबारा बाहर न जाए, इसके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 जून को प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार से लेआउट प्लान पेश करने को कहा है।